क्या आर्टिफिशियल सन बनाया जा सकता है? क्या चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना लिया है? क्या चाइना को अब सूरज की जरूरत नहीं है? क्या चाइना अब उस ओर आगे बढ़ रहा है जहां पृथ्वी की तबाही निश्चित है? जी हां, ये बात सच है, चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना लिया है। ये काम कैसे करता है और इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले, सूरज के पास इतनी हीट एनर्जी आती कहाँ से है? तो दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सूर्य सबसे बड़ा है, जो हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में हीलियम गैसों से बना है, जो कि हमारी पृथ्वी से 3 लाख गुना भारी है। इतने बड़े आकार के कारण सूर्य के सेंटर में बहुत हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर है। इसी प्रेशर के कारण हीट जनरेट हुई और हाइड्रोजन ने जलना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन का जलना एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के एटम्स आपस में टकराते हैं, इसके कारण ही हीलियम गैस का निर्माण होता है। हर सेकंड लगभग 600 टन हाइड्रोजन जलती है और इससे ही इतनी हीट उत्पन्न होती है। दोस्तों, सूर्य चमकता इसलिए है क्योंकि इस प्रक्रिया में हीट, लाइट और रेडिएशन बहुत मात्रा में निकलती है, जिससे हमें सूरज की रोशनी मिलती है। हीट एनर्जी दो तरीके से जनरेट होती है, फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन, सेकंड न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत मात्रा में हीट जनरेट होती है और वेस्ट बहुत कम होता है, जबकि न्यूक्लियर फिजन में हीट तो बहुत मात्रा में उत्पन्न होती है लेकिन वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए चाइना ने न्यूक्लियर फ्यूजन से ही हीट एनर्जी जनरेट की है, जिससे ही HL2N नाम का आर्टिफिशियल सन बनाया है। हमारे सन का सरफेस टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि चाइना ने अपने आर्टिफिशियल सन से 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जनरेट किया है, जो कि हमारे सन का 10 गुना टेम्परेचर है। चाइना की यह पागलपन वाली सोच है, जिससे जीवन पृथ्वी पर खत्म हो सकता है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें कोयले की जरूरत पड़ती है और सोलर प्लेट से बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, फ्यूचर में चाइना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकता है जिससे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और जो व्हीकल सेक्टर है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अब तक हम और आप पेट्रोल डीजल के व्हीकल इस्तेमाल करते हैं और कुछ मात्रा में लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं। जब चाइना की यह नई टेक्नोलॉजी आएगी तो यह व्हीकल सेक्टर में बदलाव की क्रांति लाएगी, जिससे लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इनका मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम होगा, जिससे पेट्रोल डीजल के प्रदूषण से बहुत हद तक निजात मिल जाएगी, क्योंकि इसका प्रदूषण बहुत कम होता है बजाय पेट्रोल डीजल के। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।